इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सुपर 100 के बाद आपको सीधा लिए चलते हैं बंगाल के पॉलिटिकल ग्राउंड में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बंगाल के हावड़ा नॉर्थ में रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी भीड़ उमड़ी है, लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने उल्बेरिया में भी रोड शो किया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार इंडिया टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरे दौर का प्रचार है, तीसरे दौर के लिए मतदान करीब है और उससे पहले हर दल अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बड़े चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार हर फेज से पहले आकर कैंपेन कर रहे हैं। और अब हावड़ा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उल्बेरिया में पहले योगी आदित्यनाथ की ये रैली रोड शो हुआ और अब हावड़ा में रोड शो की ये तस्वीर। पश्चिम बंगाल में सार्थक परिवर्तन के लिए, पश्चिम बंगाल को गुंडा मुक्त करने के लिए। सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हावड़ा में ही मौजूद हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर तो ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ को देखने की और बीजेपी के साथ चलने की एक होड़ सी मची हुई है हावड़ा में। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है हावड़ा की, वो क्या कहती है मनीष? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, हावड़ा एक ऐसा इलाका है, इस पूरे अगर हम लोकसभा की हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लिए इस रण को जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर समीकरण बैठाना उस किले पर फतेह को हासिल करने के लिए ही आदित्यनाथ योगी यहाँ पर आए हैं। और भीड़ जबरदस्त है, इससे पहले थोड़ी देर पहले उल्बेरिया में हुए थे, जो कि हावड़ा पश्चिम विधानसभा सीट पे आती है। हावड़ा के कुछ सीटों पर भी यहाँ पर चुनाव होना है और लगभग यहाँ पे माना जा रहा है कि उल्बेरिया के बाद जिस जगह पर आदित्यनाथ योगी गए हैं वो भी टीएमसी का गढ़ है। उल्बेरिया जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, और वहां से आदित्यनाथ योगी आधे घंटे रोड शो किया और उसके बाद यहां से सीधे हावड़ा की तरफ रवाना हुए हैं। जिस इलाके में गए हैं वहां पर भी बताऊं कि 2016 में लगभग 75% मतदान यहां पर हुआ था और कुल जनसंख्या जो आबादी है हावड़ा की 11,000 से ज्यादा है और ग्रामीण आबादी 7% और शहरी आबादी लगभग 92%। जाहिर है, हर समीकरण को साधने के लिए ही बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अब हावड़ा नॉर्थ में रोड शो कर रहे हैं। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। आप लगातार नजर बनाए रखें बंगाल की और राजनीतिक खबरों के लिए हम आपका रुख करते रहेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ ने अपने मिशन बंगाल की शुरुआत उल्बेरिया से की। योगी ने यहां ग्रैंड रोड शो करने के दौरान ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किया। योगी ने कहा, बंगाल से रामद्रोही टीएमसी सरकार का जाना अब तय है। बंगाल की धरती जो परिवर्तन के लिए अंगड़ाई ले रही है, यहां पर परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है, ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लगी है। देश के हित में, बंगाल के हित में आवश्यक है इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। जय श्री राम। बंगाल की धरती देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, लेकिन बंगाल को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी और अराजकता की धरती बना दिया है। यहाँ पर नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।